आपने भारतीय इस पुरातन मिष्ठान का आनंद लिया है कि नहीं लिया है? जी हाँ, मैं दिखाना चाहता हूँ, यह जलेबी है और गुड़ की जलेबी है, जिसके अवसान का समय हो गया है, लोग खाना पसंद नहीं करते। बीच में इसका पूरी तौर पर लोप हो गया था, लेकिन इधर के दिनों में अब लोग गुड़ की जलेबी खाना पसंद करते हैं। हम इस समय रामनगर में, रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला इधर चल रही है। आज भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने आए थे चित्रकूट में। यहाँ चित्रकूट का चित्रण है, रामचंद्र जी का खड़ाऊ लेकर भरत जी यहाँ से निकलेंगे अयोध्या के लिए। इस तरह का चित्रण यहाँ हुआ है। यहाँ तीन तीन हाथी लगे हुए हैं, रथ लगा हुआ है, भरत जी मना करके चले गए हैं, वशिष्ठ जी के साथ आए थे। चलिए कुल मिला करके हम गुड़ की जलेबी पर आते हैं। भैया आपकी बहुत पुरानी दुकान है ना? जी, बाप दादा के समय से। हाँ। तो गुड़ की जलेबी कभी कभी बेचते हैं कि हमेशा? नहीं, यही रामलीला में। रामलीला में। अच्छा, रामलीला में ही बिकता है, और किस अवसर पर बिकता है? और जग्गा जग्गा पड़ा है, आदमी लगता है। अच्छा अच्छा, चलिए आप बताइए थोड़ा सा, कजली का रथ जग्गा यहाँ होता है, ऐसे थोड़ा सा हो जाए। कजली का रथ जग्गा होता है, मतलब रात भर जाग के लोग कजली गाते हैं, तो उसमें ऐसी ही जलेबी बिकती है। हाँ। और क्या क्या यहाँ का प्रसिद्ध है? अरे यहाँ का नान खटाई है, जलेबी है, चाट है। अच्छा, आप तो पान नहीं खाए हैं आज? नहीं, पान हम छोड़ दिए। अच्छा, पान छोड़ दिए हैं। हाँ। पहले खाते थे बहुत। अरे कितने कितने पान खाते थे रोज? अरे हम खाए तो लिए 12-14। 12-14 ठो खाते थे। हाँ। आज आए हैं रामलीला देखने। रामलीला एक महीने का रामलीला होता है। हाँ। भैया जलेबी क्या रेट आप देते हैं? 100 रुपये किलो। गुड़ की जलेबी है यह, 100 रुपया किलो। पॉलीथीन बंद करना है और सबको ऐसे ही देना है, और कहना है लोगों से कि भाई कुछ ऐसा ले आइए, पॉलीथीन पर बैन है, ठीक है ना? चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए, यह लोग तिलक लगा रहे हैं। इस तरह के लोग तिलक लगाते हैं, बाबा को तिलक लगा दिया गया है। भैया तिलक लगाने का कितना लेते हैं आप? जो दे दें लोग, या फिर जो इच्छा? अच्छा, जो इच्छा। लोग खुश होकर के लगाते हैं। वाह, आप तो चमक रहे हैं साहब। कहाँ से आए हैं बाबा? कहाँ से आए हैं? नारायणपुर से आए हैं बाबा। चलिए आप भी तिलक लगाए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे वाह, बिटिया ने भी लगाया है, बहुत अच्छी लग रही हो जी। कहाँ आई हो मेला देखने? कहाँ आई हो? चलिए आगे हम देखते हैं। एक पान वाले हैं, देखेंगे पान लोग खाए हैं और रामलीला देखने आए हैं लोग, विश्व प्रसिद्ध रामलीला। अब हम आ गए हैं पान वाले, आप यहाँ दुकान अब ख़त्म कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? जाएंगे रामनगर चौक। अच्छा, जहाँ जाएंगे अब, मतलब भरत जी जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। रामलीला यहाँ की एक स्थान पर नहीं होती है, कई एक स्थानों पर होती है। बहुत पुरानी दुकान है आपकी ना? तो एक महीना आप लगाते हैं ऐसे ही पालथी मार करके, पैर पर पैर चढ़ा करके बैठते हैं। सर आप भी आए हैं रामलीला देखने? हाँ। यहीं के निवासी हैं? हाँ। अच्छा, बनारस के ही है। देखिए असली बनारसी ठाट में है, जब तक पान की गुलेरी मुंह में न हो और चंदन न लगा हो, फिर कोई मतलब नहीं है। यही तो आनंद है यहाँ। अच्छा, यही आनंद है। ऐसे कैसे कैसे लोग पान खा के ऐसे जब घुला लेते हैं मुंह में? पान घुलाने के बाद हम लोग रामलीला देखने आते हैं, भगवान के काज में आते हैं। एक महीना हम लोग रामलीला देखते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध रामलीला है, सबसे प्रसिद्ध रामलीला है। हम लोग काशी वासी हैं, हम लोग काशी से हमेशा आते रहते हैं। देखिए बड़ी बात इन्होंने कहा, बगैर लाउडर के यहाँ रामलीला होता है, और ऐसा कहीं नहीं होता। बगैर यहाँ भगवान बैठते हैं, वहाँ पर लाइट नहीं जलता, वहाँ गैस जलता है। क्या बात है, इन्होंने कहा वहाँ पढ़ा जाता है, मसाल जला करके मानस का पाठ होता है। मानस का पाठ कहीं और होगा और मंचन कहीं और होगा, पास में ही होगा, कोई लाउडर नहीं होगा। देखिए इधर भी टीका लगा रहे हैं, यह भी एक धंधा है, लोग इसमें पैसे भी कमा रहे हैं और यहाँ की जो आदर्श परंपरा है उसको प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। कितने लोगों को अब तक टीका लगाया है आपने? हम साहब उसमें कोई गिनती नहीं है, गिनते नहीं है। 100-150-200 लोगों को लगा देते हैं? हाँ, बहुत कम, बहुत कम। अच्छा, और जो जो दे देते हैं वही लेते हैं कि कुछ? जो दे देते वही लेते, जो दे देंगे ले लेंगे, पैसा कोई गिनती नहीं। अच्छा, आस्था
सवाल आस्था का है। ऐसा पंखा भी लोगों के हाथ में होगा एक बार जीत पंखा हाँक देते हैं। अच्छा, एक दूसरे को हाँक देते हैं। चलिए इन लोगों को भी मैं झल देता हूँ, बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार। इस तरह से लोगों के हाथों में बोरा होगा, बोरा बिछा करके टाट टाट पट्टी लगा करके लोग ले आते हैं, ऐसे ही बैठते हैं और बगैर लाउडर के यहाँ का रामलीला संपादित होता है। सुदूर वहाँ आप देख रहे हैं सुनाई नहीं देगा क्योंकि कोई लाउडर नहीं है, लेकिन लोग भाव भाव समझने आते हैं। यह है जिया राजा बनारस, यह पुरातन रामलीला यहाँ का। आप यहीं के रहने वाले हैं तो एक महीना तो आप यह करेंगे, उसके बाद बारह मासी रामनगर घाट पर रहते हैं। अच्छा, रामनगर घाट पर रहेंगे बारह मासी में साथ भेंट। अब देखिए बाबा की दुकान उठ गई यहाँ से, अब यहाँ से वहाँ लेकर के जाएंगे, वहाँ भी एक दो घंटा चलेगा। अब यहाँ से भीड़ उठ चुकी है, धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं यहाँ से और अगले मुकाम पर जाएंगे जहाँ भरत जी की आरती होती है। आज हम हैं 7 अक्टूबर 2018 रामलीला। देखिए इधर भी दिखाइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, यह तो स्वस्तिष्क का चिन्ह है और ये तो काफ़ी समय लगा होगा बनाने में ना जी। अरे आप पान नहीं खाए हैं? पान खाए हैं। अरे वाह, चुन्नी भी है पान भी है, आप पक्का बनारसी लग रहे हैं जी, पक्का बनारसी। धन्यवाद दोस्तों, देखिए अभी है पान की गुलेरी मुंह में लिए हैं, यह बनारस है। यहीं के रहने वाले हैं, ऐसे करके कैसे बोलते हैं लोग? बनारस के रहने वाले। अच्छा, बनारस के रहने वाले हैं, ऐसे ऐसे पान की गिलोरी मुंह में ले लेंगे और ऐसे करके बोलेंगे खाई के पान बनारस वाला। क्या बात है, खाई के पान बनारस वाला, गजब। रोज आते हैं आप? पर डे। आप भी यहाँ यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा लगा दोस्तों आप सभी को मैंने यहाँ का विश्व प्रसिद्ध रामलीला की छोटी सी झांकी और जो वाराणसी का कल्चर है उसको दिखाने का प्रयास किया। धन्यवाद।